अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। और सबसे पहले दोस्तों आज 17 अगस्त 2019 की हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका प्रेरणा से शिक्षक ले रहे हैं प्रेरणा और उपस्थिति फोटो अपलोड व GPS लोकेशन सहित होगा। ठीक है, अब कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चे भी होंगे, फिर सफल नहीं होने पर दोबारा होगी परीक्षा। तो दोस्तों देखिए नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर आपकी कि सीटेट 2019 सीटेट 8 दिसंबर को 19 से ऑनलाइन आवेदन देश भर के 110 शहरों में 20 भाषाओं में परीक्षा का होगा आयोजन। तो दोस्तों कल काफी बच्चों ने बहुत ही चुटकीली सीटेट को लेकर कहा कि यार नौकरी तो देनी नहीं, कि बार बार मतलब कुछ बच्चे जो पास हो चुके हैं अब वो दोबारा पेपर क्यों देंगे। पहली बात तो ये मतलब ये दोस्तों एक तरह से कमाई का एक अच्छा जरिया बनता है सरकार का भी, भाई बार बार सीटेट कराओ मतलब एक होता चाहिए ना कि नौकरी भी तो आनी चाहिए, सीटेट होने से क्या बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों उन बच्चों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा जो बच्चे भी पास नहीं हो पाए किसी कारणवश, एक तो नंबर से उनका फेल हुए। तो चलिए दोस्तों इस बार आप लोग तैयारी करिएगा और जो बच्चे पास हो चुके हैं तो भी उनको भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 150 में और पास पहुंचा जाए, मतलब 130 प्लस तक जाया जाए तो आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों आपको भी। उसके बाद दोस्तों आपकी अगली बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट को नजरअंदाज करके कैसे बन रहे शिक्षक सेवा अधिकरण गठन को हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कहा सरकार बताए अपनी नीति। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में 40, 45 और 60, 65 को लेकर। और बात होगी आपकी फाइनल पासिंग मार्क को लेकर दोस्तों, आपको क्या होगा फाइनल पासिंग मार्क, ठीक है ना दोस्तों। की और हम आपको बता दें कि अभी आप लोग की सुनवाई होने वाली 19 तारीख को, आप लोग को पता होगा डेट लिस्टेड है। तो एक दिन का और समय बचा है दोस्तों, कल भरा और फिर उसके बाद आपकी सुनवाई होनी है, उसके बाद भी बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले आज की बड़ी अपडेट्स देख लें जो है खबरें कि अब कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चे भी होंगे फेल। ठीक है, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको सीटेट को लेकर डिस्कस करते हैं क्या है सीटेट की पूरी इन्फॉर्मेशन। की सीटेट 8 दिसंबर को 19 से ऑनलाइन होंगे आवेदन। देखिए 110 शहरों में 20 भाषाओं में परीक्षा का होगा आयोजन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE की ओर से कराई जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट का फुल फॉर्म दोस्तों 8 दिसंबर को आयोजित होगी। देश भर में 110 शहरों में 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आगामी 19 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसी दिन से विस्तृत सूचना बुलेटिन सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 18 सितंबर तक किया जा सकेगा, जबकि 23 सितंबर दोपहर 3:30 बजे तक आवेदन शुल्क जमा होगा। तो दोस्तों ये कुछ अलग चीजें आपके देख रहे होंगे कि यार दोपहर में कब से बंद होने लगा, 3:30 बजे दोपहर में आपका आवेदन शुल्क जमा हो पाएगा। सीटेट बुलेटिन में परीक्षा में भाषाएं, पाठ्यक्रम, योग्यता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों के संबंध में जानकारी मिलेगी। CBSE की उम्मीदवारों को सलाह है कि वह सीटेट वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे सावधानी पूर्वक पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग कि आपके 8 दिसंबर को वही आप लोग की है भाई सीटेट का पेपर। एक दोस्तों एक और बड़ी खबर है आपके लिए कि जो आप लोग का BTC है, जो आपका DLED एडमिशन हो रहा है ना 2019-20 के दूसरे चरण के पहले दिन 12,500 छात्रों ने भरा विकल्प, बड़ी संख्या में दोस्तों खाली रह जाएंगी सीटें। जी हाँ दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीटें खाली रहने वाली है। आप लोग पूरी खबर आपको बता देते हैं कि इस बार जो BTC की हालत है बहुत ही खस्ता हो गई, खराब हो चुकी है। मतलब पिछले साल में तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस साल आपको पता होगा जब से BED को मान्य कर दिया गया है कि सहायक अध्यापक बच्चे बन सकते हैं। तो पहले इस बड़ी खबर को देखते हैं कि बड़ी संख्या में आपकी खाली रह जाएंगी सीटें। DLED की सीटें बड़ी संख्या में खाली रहने की आशंका है। BEd डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति करने संबंधी NCTE की जून 2018 की गाइडलाइन और भर्तियों को लेकर होने वाले विवाद के कारण अब DLED का क्रेज कम हो गया है। हालांकि खाली सीटों की संख्या 30 अगस्त के बाद ही पता चल सकेगी। तो दोस्तों पूरी खबर क्या थी, DLED 2019-20 सत्र में प्रवेश के लिए दूसरे चरण का सीट अलॉटमेंट शुक्रवार को शुरू हो गया है। पहले ही दिन 12,500 अभ्यर्थियों ने विकल्प भरा। 2,50,001 से लेकर 3,33,090 रैंक तक और पहले चरण में 1 से 2.5 लाख रैंक तक अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज आवंटन ना हुआ हो वो 20 अगस्त से लेके आपका मतलब 20 अगस्त तक कॉलेज का विकल्प भरेंगे। और दोस्तों 21 अगस्त को दूसरे चरण का सीट आवंटन का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सभी चीजें कि उसके बाद 1 से लेकर 3,33,090 के सभी वर्ग व श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो 25 अगस्त तक विकल्प भर सकेंगे। 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से ओबीसी, एससी, एसटी व विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन वर्गों की सीटों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करते हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश 22 से 19 अगस्त तक लिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान 30 अगस्त तक प्रवेश लेने वाले जिन अभ्यर्थियों की सूचना परीक्षा नियामक या पीएनपी कार्यालय एलनगंज को भेजेंगे वही प्रवेश मान्य होंगे। तो दोस्तों, अगर कॉलेज वाले आपके इसकी सूचना वहां तक नहीं भेजते पीएनपी तक, तो आपका अलॉटमेंट ये सब कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर 40, 45 और 60, 65 को लेकर के अपडेट 69,000 में कब तक नौकरियां मिलेंगी। अब सीटेट का दोबारा फॉर्म आ चुका है, एक नौकरी तो क्लियर नहीं हो रही है, फॉर्म पे फॉर्म आ रहे हैं, बच्चों के पैसे लेते जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा यूपीटेट का भी फॉर्म आने वाला है, लेकिन सीटेट उनसे तेज निकला कि पहले फॉर्म अपना निकाल दिया कि सभी देखिए होता क्या है। यहाँ पर भी दोस्तों कंपटीशन है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सीटेट और यूपीटेट दोनों का फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, एक ही करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि हम सीटेट का पेपर दे देंगे तो वो यूपी में भी मान्य होगा, केंद्रीय लेवल पर भी मान्य है। लेकिन बच्चे लालच में आते हैं कि यार चलो कोई पेपर क्लियर नहीं हो गया, मान लेते कभी कभी दोस्तों सीटेट का पेपर कठिन आ गया तो यूपीटेट में क्या होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चे दोस्तों लालच में कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चों का यूपीटेट क्लियर होगा तो वो सीटेट के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि सीटेट में जितने अच्छे नंबर होंगे वो तो आपका यूपी में भी मान्य होगा और बाहर भी मान्य होगा। तो ये बात तो बढ़िया होने वाली है। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे आज हम लोग। ये क्या था कि शिक्षा अधिकरण के गठन पर हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, ठीक है। कहा हमारी अनदेखी कर लखनऊ में कैसे बना रहे हैं, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। शिक्षा सेवा अधिकरण स्थापित करने के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के वकीलों की हड़ताल पर गंभीर रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर जनहित याचिका कायम कर ली है। कोर्ट ने हड़ताल के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हुए प्रमुख सचिव माध्यमिक बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय को नोटिस जारी कर बताने के लिए कहा है कि अधिकरणों के गठन पर सरकार का नजरिया क्या है। कोर्ट ने जानना चाहा कि हाई कोर्ट की प्रधान पीठ को नजरअंदाज कर दूसरे स्थान पर अधिकरण क्यों बनाया जा रहा है। पीठ ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन सहित अन्य अधिवक्ता संगठनों को भी नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर जनहित याचिका के तौर पर दर्ज कराते हुए सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित भी कर दिया। याचिका पर 30 अगस्त को अगली सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों शुक्रवार सुबह 10 बजे जब न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो कक्ष संख्या 34 में बैठे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ की अदालत में कुछ सरकारी वकीलों और स्टाफ को छोड़कर कोई मौजूद नहीं था। कारण पूछने पर कोर्ट ने बताया गया कि शिक्षा अधिकरण के गठन पर लेकर इलाहाबाद और लखनऊ के वकील शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से विवरत है। इसे गंभीरता से लेते हुए पीठ ने कहा कि सरकार जब हाईकोर्ट से मुकदमे का भार कम करने के लिए अधिकरण गठित कर रही है तो उसे हाईकोर्ट की प्रधान पीठ से दूर बनाकर वादकारियों की पहुंच से हाईकोर्ट को दूर कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो देख लें क्या क्या अपडेट्स आते जा रही है आज आपके मतलब आज के दिन तो बहुत ही अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। तो फिलहाल दोस्तों सभी अपडेट्स पर तो हम लोग चर्चा नहीं करने वाले, फिलहाल कुछ और देख लेते हैं कि प्रेरणा से, ये दोस्तों आपके लिए जरूरी है, प्रेरणा से शिक्षक ले रहे हैं प्रेरणा। होगा क्या आने वाले टाइम में आप लोग भी टीचर बनेंगे तो भाई ये नियम तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो क्या है पूरी खबर, इसको देखते हैं। इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली प्रेरणा योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 20 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए अमरकांत सिंह ने बताया कि शिक्षकों को इस संबंध में ट्रेनिंग भी दी जा रही है जो लगभग अंतिम चरण में है। इससे शिक्षकों के साथ संबंधित अधिकारियों को भी सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। इसके तहत शिक्षकों का सेवा विवरण ऑनलाइन हो जाएगा, वह ऑनलाइन ही छुट्टी समेत सेवा विस्तार से संबंधित सभी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षण प्रणाली में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यूपी डेस्को ने इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क तैयार किया है। मानव संपदा, शिक्षक अधिष्ठान मॉड्यूल, ठीक है, एसएमसी मॉड्यूल, उपस्थिति मॉड्यूल, फोटो अपलोड व जीपीएस लोकेशन सहित होगा। देखिए दोस्तों हम एक और बता दें, जो इतनी जितनी भी उत्तर प्रदेश की वेबसाइटें बनती है ना 2 से ज्यादा दिन चलती नहीं। आपको पता होगा जब भी आपके ऑनलाइन फॉर्म आते हैं यूपी लेवल पर हर बार साइट डाउन होती है। देखिए इस बार डीएलएड की साइट नहीं डाउन हुई बीटीसी में, क्योंकि इस बार आवेदन नहीं हुए। जब लाखों बच्चे आवेदन करते हैं तो साइट डाउन होती है। तो देखते हैं कि भाई इनका जो ऐप बन रहा है वो कितना कारगर होगा आप लोगों के लिए और कैसे वर्क करेगा, इनका सर्वर क्या होगा। देखिए हम लोग सर्वर की अच्छी जानकारी रखते हैं, किस लेवल का ये सर्वर खरीद सकते हैं दोस्तों, उस पर भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो फिलहाल अभी दोस्तों आप लोग यही है कि आप लोग की जो सुनवाई होने वाली है एक दिन के बाद, तो उसका वेट करते दोस्तों, और उसके बाद ही हम लोग का आगे का मामला पता चल पाएगा कि अभी आगे कितना दिन और हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग के ढेर सारे सवाल आते हैं, तो दोस्तों सभी को है कि भाई जल्द से जल्द ये वैकेंसी समाप्त होनी चाहिए, दूसरी वैकेंसी आएगी। दोस्तों देखिए, जब तक आप लोग की वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक तो यार इसको लेकर कोई दूसरी वैकेंसी आने वाली नहीं है। आप लोग की 68,500 आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा। जैसे वो पूरा फाइनल हो जाएगा दोस्तों, जो उसमें 23,000 सीटें लगभग खाली है ना, तो उसमें दोस्तों आप लोग की दोबारा से मतलब आवेदन की प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब उसमें पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, जब ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब बच्चे खत्म हो गए हैं, मतलब पासिंग मार्क में बच्चे नहीं बच रहे हैं, तो दोबारा से दोस्तों विज्ञप्ति जारी करके नई तरह से भर्ती प्रक्रिया लाई जा सकती है, ठीक है। नई तरह से भर्ती प्रक्रिया लाने के लिए दोस्तों शिक्षक भर्ती कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना, कि अभी फिनिश कर देंगे मतलब अब बच्चे नहीं बच रहे हैं, दोबारा से भर्ती निकाली जाए, नहीं तो वो मामला आपका 30-33 चलता रहेगा और वो पद कभी नहीं भरे जाएंगे और हमेशा वो मामला लंबित रहेगा कोर्ट में, न्यायालय में। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है। 40, 45 और 60, 65 को लेकर दोस्तों कल देखेंगे क्या अपडेट्स निकल कर आती है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे।